हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के बोर्ड पेपर में जो 4 नंबर में प्रश्न उच्चिष्ट निम्निष्ट से आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम करेंगे आप लोगों के सामने। आज हम कुछ लो लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, अगले दिन से कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आज के इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि उच्चिष्ट निम्निष्ट में हम करते क्या हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल। हाँ तो दोस्तों, ये रहा हमारा देखिए पहला सवाल। ठीक है, दिया गया है सिद्ध कीजिए कि फलन यक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस यक्स प्लस 6 का निम्निष्ट मान 6 है। ठीक है, हमें निम्निष्ट मान सिद्ध करना है कि 6 होगा इसका। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका आप लोगों को प्रोसेस बता देते हैं कि निम्निष्ट मान या उच्चिष्ट मान निकालने के लिए क्या हम करते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो हमारा फलन दिया है, इसको हम सबसे पहले वाई के बराबर मान लेंगे। वाई के बराबर मानने के बाद इसका एक बार अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालने के बाद डी स्क्वायर यक्स अपान में डी एक्स स्क्वायर, ये निकालेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला निकला रहेगा dy बाई डी एक्स, इसको हम मान लेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 0 के। 0 मानने के बाद dy बाई डी एक्स का मान जो हमारा आया रहेगा पहला अवकलन में, उसको वहाँ पर हम रखने के बाद जो हमारा वहाँ से मान निकलेगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स में से जो हमारा मान निकलेगा, उसी मान को हम दूसरे अवकलन में रखेंगे। वहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा जो है मान उच्चिष्ट है या निम्न उच्चिष्ट, और निम्निष्ट मान के लिए कुछ शर्तें हैं जो माइनस प्लस को ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए, अगर यक्स बराबर -3 दे दिया, तो उसको हल करने के बाद अगर माइनस में आता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि -3 पे ये हमारा जो फलन है वो उच्चिष्ट है। अगर आ गया आप लोगों का अगर फलन प्लस में, तो वहाँ पर समझ जाएगा कि हमारा ये जो फलन है यहाँ पर -3 पे यानी कि निम्निष्ट है। तो आइए हम इसको हल करके आप लोगों को दिखा देते हैं प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो इसका हम मान लेते हैं फलन को y बराबर यक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस यक्स प्लस 6। ठीक है, हम इसका dy बाई dx के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई dx इसका देखिए अवकलन करेंगे, हम डायरेक्ट कर दें कि आप लोग देखिए, हम इसका अवकलन करते हैं यहाँ पे ऐसे विस्तारपूर्वक केवल आप लोगों के लिए। इसका अवकलन करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे dy बाई dx यक्स 2x² का करेंगे प्लस dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इंटू 6। ठीक है, हमें इसका अवकलन करना है, तो आइए कर लेते हैं। देखिए, तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सूत्र अवकलन का पढ़ा ही होगा। इसका अवकलन करेंगे तो देखिए, ये 3 आगे चलिए चलाएगा और 3 में से 1 घट जाएगा, तो यानी कि 3 - 1। विस्तारपूर्वक कर रहे हैं, देखिए 2 हमारा निकल जाएगा बाहर, ये 2 हमारा आगे चलाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा, 2 - 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका अवकलन 1 हो जाएगा और इसका 0। अब ये हमारा एक बार अवकलन हो गया, इसको एक बार फिर से थोड़ा सा हल कर देते हैं अच्छी तरह से।
देखिए यहाँ पे 3x हो जाएगा पावर के 2, यहाँ पे माइनस 2 दुना के 4 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। अब इतना करने के बाद हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 बाहर चलाएगा, अब डायरेक्ट करते हैं, ये आगे पावर आएगी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक्स के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 बाहर आ जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 1, ये इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं, डिवाइस टी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 एक्स हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जबकि हमें यहाँ पे निम्निष्ठी निकालना है, तो यहाँ पे हम सभी सवालों में लिखेंगे, अगर यहाँ पे ऐसा शर्त नहीं दिया रहेगा तो। ठीक है, तो आप लोग इससे घबराइएगा मत, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान रखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान समीकरण 2 में हमें दिया गया है, मिला है हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स, यहाँ पे प्लस का 1 है, बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब इसको हल करते हैं, देखिए अब इसका गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पे गुणा करने पे 3 हो जाए और जोड़ने पे 4 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3x प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम 3x को कॉमन करेंगे, 3x यहाँ पे बच जाएगा, x माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस का 3 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए x माइनस 1 एक हो जाएगा एक कोष्टक में, और यहाँ पे हो जाएगा एक कोष्टक में 3x माइनस का 3 एक कोष्टक में, सबके बराबर में 0 कर लेंगे। यहाँ से देखिए x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, तो यहाँ से x बराबर हमारा एक आ जाएगा, इसको हल करेंगे, 3x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे इसके बराबर। ठीक है, यहाँ से x बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, इसको बटा में ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा, यहाँ पे 3 कटेगा तो x बराबर 1, यानी कि देखिए x बराबर हमारा एक ही मान आ रहा है, 1 1। ठीक है, अब ये जो हमारा मान है इसी मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, देखिए हमारा समीकरण नंबर 3 दिया है, इसमें हम x का मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हमारा 6x माइनस का 4 है। ठीक है, इसमें हम मान रख देंगे 6 × 1 हो जाएगा माइनस का 4, देखिए 6 में से यहाँ पे 6 में 1 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 बराबर, यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए हमारा प्लस का 2 आया है, अर्थात हमारा जो फलन है x बराबर 1 पर धनात्मक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वो हमारा x बराबर 1 पे निम्निष्ठ है। ऐसे तो हमारा सिद्ध हो गया कि ये मान हमारा निम्निष्ठ है। ठीक है, अब आइए इसका जांच कर लेते हैं कि 6 पे हमारा कैसे निम्निष्ठ है। तो देखिए x बराबर 1 हम समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में x बराबर 1 रखते हैं, देखिए ये हमारा समीकरण नंबर ये है, y बराबर हमारा है समीकरण नंबर x क्यूब, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस x, और यहाँ पे प्लस 6 दिया गया है, इसको हमें बराबर करना है 6 के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x बराबर 1 से। ठीक है, तो हम x जहाँ जहाँ है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे y बराबर 1 का क्यूब कर देंगे माइनस 2, और x का जगह पे 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 प्लस 6 बराबर 6, हमें इस फलन को 6 के बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा।